और हम इस जीवन की बिल्कुल परवाह नहीं करते। अगर बाबा साहब के नाम पे ये जीवन कुर्बान हो तो हम कुर्बान कर देंगे, और इसीलिए आज हमने देश भी नहीं है, 50 सालों से ये देश मोदी जी का नहीं है, आम जनता का है, और आम जनता जो नहीं है वो दिल्ली को कब्जा। अरे मोदी जी तो क्या है, 5 साल का बच्चा है, 5 साल में उसको फेंक देंगे वहाँ। ये लोकतंत्र है और बाबा साहब का शासन है और बाबा साहब का संविधान। ये तस्वीर देख सकते हैं, मैं दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीर आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो पूरा नीला झंडा और जो पंचशील का झंडा है जो बहुत चिन्हित करता है, वो पूरा का पूरा ये जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो सारा पूरा दिल्ली का आसमान है। और नजर आएगा जहाँ तक, अगर मैं कैमरा मैन से चाहूँगा तो घुमा कर दिखता है जो दिल्ली है। आज दिल्ली की राजधानी भी ऐसी लग रही है कि पूरा का पूरा नीला पड़ जाएगा। ये पूरा का पूरा दिल्ली सीन, क्या ओबीसी, क्या जनरल, क्या कास्ट, मतलब यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो बाबा साहब के दिखाए मार्ग में चलते हैं, यहाँ पे वो 90% लोग आपको देखने को मिलेंगे। और जो अलग अलग पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे पेपर भी छपा हुआ है। मैं एक भाई साहब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुजन स्वाभिमान प्रतिमा वही लगेगी, और ये बहुजन स्वाभिमान दिल्ली, ये दिल्ली से प्रकाशित होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठाकुरों को उत्पीड़न का सटीक जवाब देने वाली वीरांगना फूलन देवी, उनका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर और उनकी फोटो लगी हुई है। और मैं बता दूं कि 10 अगस्त को उनका जन्मदिन है वीरांगना फूलन देवी का, तो यहाँ पे जो फूलन देवी को मानने वाले हैं वो भी यहाँ पे, जो बाबा साहब को, मैं इनसे भाई साहब से बात करूंगा। सर ये जो आप पेपर जो लेकर यहाँ का क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब बाबा साहब 21 तारीख एक बहुत बड़ा कॉल है भारत बंद करने का। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये आप लोग चेहरे पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाए हैं, आप शर्ट पे भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाए हैं, कहाँ से आप आए हैं? जिला कासगंज आए हैं, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश। बाबा साहब को आप क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? बाबा भगवान है हमारे, वो तो हमारे भगवान है। भगवान को कौन नहीं मानता, आप बताइए। भगवान को सभी मानते हैं भाई। देश के लिए उन्होंने कुछ किया है, देश के लिए लड़े, हमारे लिए लड़े, तो उनको क्यों नहीं माने? कहाँ से आए हैं एक बार और बता दीजिए डिटेल्स। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश। कासगंज से आप आए हैं, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, मैं एक एक करके दिखाऊंगा यहाँ की तस्वीरें कि जो बोलते हैं कि बाबा साहब को सिर्फ SC और ST मानने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारे समुदाय के लोग यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे जय भीम के नारे लगा रहे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि बाबा साहब की जिस तरह से प्रतिमा संसद भवन के परिसर से हटाई गई है, उनको तुरंत वहाँ से यही मांग है। और इसी मांग को लेकर यहाँ पे ये दिल्ली का जंतर मंतर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये नीला झंडा से आकाश में। भाई साहब है ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे अपने चेस्ट पे लगाए हो, क्या कहेंगे? मेरा नाम गुरुदयाल सिंह है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आज दिल्ली जंतर मंतर में हम बाबा साहब की प्रतिमा को लेके सभी भाई आए हुए हैं हमारे आगरा से, सभी का दिखाई हुई है। और हम चाहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ पहले लगी थी वो स्थापित वहीं की जाए, नहीं तो बाबा साहब के हम बच्चे हैं, बाबा साहब का ही दिया हुआ ये जीवन है, आए हुए हैं। या तो सरकार हमारी बात को प्यार से माने और मूर्ति को उसी जगह स्थापित कर दे, नहीं तो हमारे लोगों में आक्रोश है, संघर्ष है, और ना कभी हम पीछे हटे हैं। मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ लगी थी। अभी हमारे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्यार से मनवा रहे हैं अपनी बात को, नहीं तो हम जबरदस्ती भी अपनी बात को। इसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन पूरे भारत देश में होने वाला है 21 अगस्त का, जो कि आरक्षण को लेके है। और सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ही गलत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी जनगणना के, बिना किसी तथ्य के आधार को लेते हुए
जो जजमेंट आया है जो बांटने का है, एससीआरएचआर को क्रिमिनल का नाम देकर खत्म करने का काम किया है। और ये एससीआरएचआर खत्म करने का मतलब हमारे समाज में फूट डालना राज करो वाली नीति है। ये सभी ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं और इनकी विचार बिल्कुल 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 भी। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग लगातार दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच कर चुके हैं और ये अभी ये जत्था आया है आप देख सकते हैं। और मैं ये दिखाऊंगा आपको जिस तरह से ओबीसी महासभा दिल्ली जो पंचायत में 9 अगस्त को जंतर मंतर में विधान प्रदर्शन, और इसमें आप देख सकते हैं ये संसद घेराव की भी बातें कर रहे हैं लोग। मैं लग रहे हैं कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, इस तरह के यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है देख सकते हैं। और ये लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से इस तरह के लोग आ रहे हैं, बहुजन समाज मैदान में बाबा साहब के सम्मान में, धोमा समाज मैदान में बाबा साहब के सम्मान में जय 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 जय। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर सीधी दिखा रहा हूँ, और मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पहले से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक यहाँ पे स्टेज लगा हुआ था, मैं स्टेज आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ पे नरेंद्रपाल गौतम के पीछे बड़े दो नेता है और आप जो लोग है देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं मंच पे और यहाँ पे नारे लगे हैं। मैं यहाँ पे तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे जो बहुत भिक्षु हैं वहाँ पे यहाँ पे आकर और पहले से बैठे हुए लोग हैं, आप देख सकते हैं। मैं तस्वीरें आपको लोगों को दिखा रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। मैं भंते जी से बात करने की कोशिश करूँगा, क्या कहेंगे भंते जी आप कहाँ? वहाँ पे तो सुंदरी पार्क बन गया है क्यों? जो पहले से था। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतिमा हटाई गई पार्लियामेंट से 3 जून को, आंदोलन चल रहा है, हम अभी सांसद का घेराव करेंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा थी, क्योंकि ये बड़े संघर्ष के साथ बीपी भूरिया के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और जय भूरिया आंदोलन करे मुक्ति लगाई जनता के पैसों से और समाज के पैसों से, आज ये बिना छल से बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 जुलाई को 4 जुलाई को हमारा निकाल था इसका इलेक्शन का, और उन्होंने रात में ये 12 बजे रात में उन्होंने प्रतिमा को हटाया गया। हम इसीलिए आंदोलन करने आए कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो पार्लियामेंट में थी और उसका इशारा, पार्लियामेंट तो नया बन गया, नया नहीं हमारा जहाँ था जो हमने संघर्ष करके लगाई थी उसी पार्लियामेंट में हमारी बाबा साहब की प्रतिमा लगे। हमारी लाखों की संख्या में लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के लिए दिन श्रद्धांजलि के लिए जाते थे। गुजरात कच्छ से आए हैं मोदी जी के गांव से? मोदी जी का गांव नहीं है, मोदी जी आकर के बैठा है। हमें उसको सिर्फ स्टैच्यू नहीं, पूरा देश को आजाद करवाना है। गुलामगिरी जो चल रही है अधम, ताकि वहाँ से हमको दम की स्थापना फिर से करनी है। गुलामगिरी कहाँ चल रही है? कौन लोग गुलाम है? सभी लोग स्वतंत्र है देश में। गुलामगिरी इसे कहेंगे पत्थरों की पूजा करने वाले, कागज की फोटो की पूजा करने वाले, जिसका बाप कोई पेंटर होता है, पत्थर की मूर्ति जिसका बाप कोई शिल्पकार होता है, और हम इंसानों की पूजा करेंगे, माँ बाप की पूजा करेंगे, गुरुओं की पूजा करेंगे और हमारे महापुरुषों की पूजा करेंगे। ये शैतानिक ताकत, आप जिस तरह से अपने महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं वही लोग अपने महापुरुषों की पूजा करेंगे। पूजा उससे कहेंगे उनके मार्ग पर चलने वाले, उनकी राह पर चलने वाले। आज कितने लोग हैं और बहुत कम लोग होता है तो शेरों की गर्जना सुनाई देगी, जब शेरों का बड़ा झुंड नहीं होता है।
शेरों का लड़ाई मैदान में जंग होता है और मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन दुश्मनों की विचारधारा को कबूल नहीं। आप मोदी जी के राज्य से आते हैं, मोदी जी को क्या कहेंगे? कि पंचशील का शासन है, पंचशील का शासन सिर्फ सिर्फ कहने के लिए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। अरे ले चुके तो 5 साल के लिए, उसको जिंदगी भर कोई दे दिया है क्या? क्या लोकतंत्र खत्म हो गई है क्या? कौन कह रहा है लोकतंत्र खत्म हो गई है? 5 साल का राजा है, 5 साल के बाद आपको तो गर्व होना चाहिए, आपके राज्य के हैं। अरे गर्व वो बात का होता वो धम्माचारी होता, जान लेने वाला गाय के नाम से गाय और जानवर मांस बेचने वाला, लेकिन हम क्या कहेंगे? अरविंद और भाजपा वालों ने मिल के मांस का व्यापार करने के लिए मुसलमानों को मारा था। क्या कहेंगे आप? ये बोधाचार्य जी जो है वो गुजरात से आते हैं, वही गुजरात से जहाँ मोदी जी आते हैं। जो बात कहते हैं उसका बात अरे तो यूपी से आप आए हैं तो वहाँ तो और है बड़ के बाबा, योगी बाबा। तो योगी बाबा से क्या लेना देना? जब वो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम उनको क्या देंगे? योगी बाबा को, योगी बाबा सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। अगर वो सहयोग देते हैं तो हटाई जाते हैं। उनका भी तो हाथ है, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनका भी हाथ है। अगर कोई यहाँ का संसद अगर भिड़ जाए मोदी जी भारतीय संविधान को गले लगाते हैं, माथे टेकते हैं, बात नंबर दो की करते हैं, गले लगाते हैं और मंच पर कुछ और कहते हैं और उनके देश में झूठी चल रही है। तभी तो हटाया सुप्रीम कोर्ट को, तभी तो हटाया, सही आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद ये तो योगी मोदी डोंगी, इन्हें इस देश में रहने का हक ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, इंजन की सरकार भाई सब कहाँ बोल रहे हैं? इंजन की सरकार कौन सी? इंजन की सरकार ये तो सब निकम्मी सरकार है, कोई नहीं, कोई एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार मतभेद सब करती है ये सब करती है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना लोग चाहते हैं, कैसा हो जाएगा? बाबा साहब को मानने वाले भगवान बुद्ध के लिए नहीं होगा, इस जंग को जारी रखेंगे। वो तो इसी में बैठे हैं, हम धूम में बैठे हैं, चलते हैं। चाय बेच कर आए हैं, आपको पता नहीं है? चाय चाय बेच कर मोदी जी आए हैं। चाय बेची होगी तो बेची होगी, हम क्या जानते हैं? क्या तो हम कर रहे हैं? आज वो आप कह रहे हैं कि